सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप क्रिकेट के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारतीय टीम ने लगातार दो मुकाबलों में पाकिस्तान को बुरी तरह का दिया। पहले मैच में भारतीय टीम ने 8 विकेट पाकिस्तान को रौंदा, जबकि दूसरे मैच में 9 विकेट से बड़ी जीत मिली। बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में भी पाकिस्तान को करारी हार मिली और पाकिस्तान इस एशिया कप 2018 से बाहर हो गया है। भारत और बांग्लादेश टीमों से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद की आलोचना शुरू हो गई और आलोचनाएं हद तक बढ़ी कि बात उनकी कप्तानी पर आ गई। इस बीच भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने सरफराज अहमद का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद इस तरह के खिलाड़ी हैं कि वे अपनी मौजूदगी से फर्क पैदा करते हैं। ऐसे खिलाड़ी रोज रोज पैदा नहीं होते। पाकिस्तान के चैनल प्रोग्राम में बात करते हुए गांगुली ने कहा कि सरफराज अच्छे कप्तान हैं और पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह उन्होंने टीम की कप्तानी की थी वे कमाल है। गांगुली ने कहा कि सरफराज जैसे खिलाड़ी रोज रोज पैदा नहीं होते। दोस्तों, क्या गांगुली की बात से सहमत है या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।